hello everyone welcome you all here on my channel this is our environmental studies class and uh, this is the chapter 15 of class 3rd direction and places we have completed our 14 chapter if you have not seen those videos please check the description box so moving forward let's start our new chapter directions and places इन हिंदी डायरेक्शन को दिशा कहते हैं और प्लेस को जगह कहते हैं तो आज इस वीडियो में हम दिशा और जगह के बारे में डिस्कस करेंगे ओके वी यूज मैप्स एंड डायरेक्शंस टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस हम सभी लोग डायरेक्शन और मैप का क्यों यूज़ करते हैं किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए है ना तो देर आर फोर मेन डायरेक्शंस चार मेन डायरेक्शंस होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ठीक है ईस्ट को हिंदी में पूर्व कहते हैं वेस्ट को पश्चिम कहते हैं नॉर्थ को उत्तर कहते हैं और साउथ को दक्षिण कहते हैं तो देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ जनरली वी टेल अबाउट डायरेक्शंस टू शम वन वी यूज टर्म्स लाइक राइट लेफ्ट स्ट्रेट एटसेट्रा नाउ आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब यू इट इन अ सिंपल मे इन अ सिंपल वे थ्रू अ वेरी इजी स्टोरी सुमित स्टडीज़ इन क्लास थ्री सुमित एक लड़का है जो क्लास थ्री में पढ़ता है यास्टर्डे वेन ही वॉज़ रिटर्निंग फ्राम his school a person who was his who was new in his colony asked him to tell the way to his friend's house कल जो था सुमित जो है एक लड़का है जो क्लास थ्री में पढ़ता है कल जब वो अपने स्कूल से घर आ रहा था तो उसके कॉलोनी में एक न्यू पर्सन रहते हैं वो उनसे पूछते हैं कि मेरे घर का मेरे फ्रेंड का जो घर है वो किस डायरेक्शन में है सुमित कहता है गो स्ट्रेट एंड टेक अ लेफ्ट टर्न आप आगे जाओ और वहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लो फ्रॉम द मिल्क बूथ यानी वो मिल्क बूथ को मिल्क बूथ एक प्लेस है वहाँ से वो उसको डायरेक्ट करता है कि आप स्ट्रेट जाइए उसके बाद आप लेफ़्ट टर्न लीजिए ही टोल्ड द पर्सन दैट ऑन द राइट हैंड देयर इज़ अ स्टेशनरी शॉप उसके बाद वो डायरेक्शन से किसी प्लेस को इंडिकेट करता है डायरेक्शन क्या है उसने बताया कि अपने राइट right हैंड से अपने राइट हैंड साइड पे आप जब टर्न करेंगे तो वहाँ पे एक स्टेशनरी शॉप मिलेगा एंड नेक्स्ट टू द स्टेशनरी शॉप इज़ हिज़ अपार्टमेंट और उस स्टेशनरी शॉप के जस्ट बगल में उसका अपार्टमेंट है द पर्सन थैंक सोमिथ एंड हेडेड टूवर्ड्स हिज हाउस उस आदमी को पता चल गया कि उसके फ्रेंड का घर कहाँ है तो इस स्टोरी से हमें ये पता चल रहा है कि कैसे हम डायरेक्शन एंड प्लेसेस का यूज़ करके किसी भी काम को बहुत ही ईजिली से इंडिकेट कर सकते हैं किसी भी प्लेसेस पर हम आसानी से जा सकते हैं ओके okay? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म स्केच स्केच के बारे में अब हम जानेंगे स्केच क्या है एक रफ़ ड्राॅइंग एरिया है जहाँ पर हम सिम्बल्स और लैंडमार्क्स का यूज़ करके किसी भी जगह को इंडिकेट करते हैं इसमें एक बात हमको याद रखना है कि इसमें कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है ठीक है मतलब ये एक रफ़ स्केच होता है रफ़ ड्रॉइंग होता है जिसमें हम आ, अगर हमको टैंपल इंडिकेट करना है तो हम राइट right, लेफ्ट का यूज़ करके टेम्पल को इंडिकेट कर सकते हैं या फिर किसी प्लेस को इंडिकेट करना है या स्कूल को इंडिकेट करना на किसी भी जगह को हम लोकेट कर सकते हैं बट इसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगा ओके अ सिंबल इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट समथिंग इल्स नॉट बाय एग्जैक्ट रिज़ेम्ब्लेंस सिंबल्स एक कुछ uh, एक प्रकार का कोई फिगर ही समझ लीजिए जो क्या करता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली exactly वो चीज वैसा नहीं होता लेकिन हम मान सकते हैं कि ये चीज वैसा है और हम इसको uh, Uh, इस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लीजिए एक एरो है एरो का मतलब होता है कि हमें अब uh, ऊपर जाना है ठीक है तो अगर कभी भी हम मुझे ऊपर जाना है तो हम एरो इंडिकेट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें ऊपर जाना है वो एक्चुअली में वो चीज़ होता नहीं है बट हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ओके नाउ वी विल डिस्कस लैंडमार्क नाओ लैंडमार्क इट इज़ एन ऑबेक्ट दैट इनेबल्स वस टू establish its इट्स लोकेशन ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी को भी कोई भी लोकेशन को uh, establish करने में हेल्प करता है जैसे अब आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अपना जब एड्रेस देते हैं तो लैंडमार्क पूछता है कि आ, आपके अगल बगल क्या है जिसके मदद से आपको uh, आपका लोकेशन मिल जाए तो लैंडमार्क हमें हेल्प करता है हमारे लोकेशन को स्टैब्लिस करने में ओके okay? मैप इज़ अ ड्रॉइंग ऑन फ्लैट सर्फेस दैट शोज द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेज मैप जो है एक प्रकार का ड्राॅइंग होता है एक फ्लैट सर्फस में जिसमें हम बहुत सारे प्लेसेज को लोकेट कर सकते हैं ठीक है मैप के थ्रू मैप में भी फोर डायरेक्शन का यूज किया जाता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड शाउद ये एक प्रकार का ड्राइंग होता है जिसे हम अपने फ्लैट सरफेस पे इंडिकेट करते हैं ताकि आ, बनाते हैं ताकि हम अपने लोकेशन को पता कर सके अगर हमें कंट्री भी पता करना है तो हम कंट्री भी पता कर सकते कोई स्टेट पता करना है वो स्टेट पता कर सकते हैं मैप्स से हम सिटीज स्टेट कंट्री और वर्ल्ड कुछ भी इंडिकेट कर सकते हैं मैप जो है वो आपका वर्ल्ड मैप भी आता है स्टेट मैप भी आता है कंट्री मैप भी आता है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स ओके Uh, अभी तो मैप हमने डिस्कस कर लिया नाउ दिस इज़ एटलस अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस मैप के जो बुक होते हैं उनको एटलस uh, कहा जाता है एटलस इज़ अ बुक दैट कंटेन्स वेरियस मैप्स इसका ये भी डेफिनेशन हो सकता है इट इज़ अ बुक दैट कंटेन्स वेरियस मैप्स इसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं तो mm -hmm. अभी हमने क्या सीखा अभी हमने फोर डायरेक्शंस को सीखा हमने प्लेस uh, स्केच uh, के बारे में सीखा सिंबल एंड लैंडमार्क को जाना फिर वी हैव डिसकस्ड अबाउट मैप एंड एटलस नाउ आई नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन एंड आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया हो एंड वेरी शून आई विल मेक वीडियो ऑन एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस एंड आई होप यू विल लाइक दिस एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई मे शॉल्व यो क्यूरीज ओके थैंक यू एवरी थैंक यू फॉर वॉचिंग